इमल रॉय की फिल्म दो बीघा जमीन में लल्लू उस्ताद का रोल काफी मशहूर हो गया था। इस हास्य भूमिका को निभाने वाले कलाकार थे माननीय श्री जगदीप जी, जो इस फिल्म के आने के बाद दर्शकों में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे, लोग पहचानने लगे उन्हें। यह पहली हिंदी फिल्म थी जिसका प्रीमियर बॉम्बे के मेट्रो सिनेमा हॉल में हुआ था। अमूमन वहां पे अंग्रेजी फिल्में दिखाई जाती थी तब तक। एक इंटरव्यू में जगदीप बताते हैं कि प्रीमियर वाले दिन रेडियो सीलोन से आया एक नौजवान फिल्म के मेन स्टार्स और प्रोमिनेंट टेक्नीशियंस के इंटरव्यू ले रहा था, मगर जगदीप का नंबर आने पर उस नौजवान ने कहा, दोस्त अभी जरा जल्दी में हूं, बहुत देर हो चुकी है, फिर कभी मुलाकात होगी, और वो वहां से निकल गया। बात आई गई हो गई। कुछ सालों के बाद एक दिन जगदीप के पास रमेश सहगल का फोन आया। वो बोले कि एक फिल्म शुरू कर रहा हूं, एक नया हीरो लिया है, मैं चाहता हूं कि जगदीप तुम आओ और उसका उर्दू का तलफ्फुज, उसकी उर्दू की जबान ठीक कर दो, ट्रेनिंग दे दो। जब जगदीप रमेश सहगल से मिले तो उन्होंने देखा कि वहां रेडियो सीलोन वाला वही नौजवान भी बैठा है। रमेश सहगल ने उसका तारुफ करवाते हुए जगदीप को बताया कि यही है मेरी फिल्म का नया हीरो, जिसकी कोचिंग के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। उस नौजवान को देखते ही जगदीप को पुरानी बात याद आ गई और वो बोले उस नौजवान से, तुमने ठीक ही कहा था कि फिर कभी मुलाकात होगी, मुलाकात आज हो ही गई, मैं आज से तुम्हें उर्दू सिखाऊंगा, दुरुस्त करवाऊंगा। उस नौजवान का नाम था सुनील दत्त और फिल्म थी रेलवे प्लेटफॉर्म। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।